हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप 7 न्यूज ऑफ द डे, जिसमें टीवी का तड़का आपके लिए लेके आता है ड्रामास और सेलिब्रिटीज से जुड़ी दिन की 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आप इंडस्ट्री से जुड़ी रोजाना के 7 छोटी बड़ी खबरें जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें टीवी का तड़का। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। आज है 21 फरवरी। टॉप 7 ऑफ द डे में से पहली टॉप न्यूज, इंडियन एक्ट्रेस मौनी रॉय, जो की काफी बड़े हिट ड्रामास नागिन जैसे में नजर आ चुकी है और ब्रह्मास्त्र फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं, वहीं पर साथ में दूसरी एक्ट्रेस नीलम कोथरी, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हुसैन के साथ सपोर्ट की गई हैं कतर में एक इवेंट के दौरान। दोनों एक्ट्रेसेस को एक साथ देखा गया है पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ, जहां पर एक इवेंट अटेंड कर रहे थे ये लोग, तो वहां पर इन्होंने एक पिक्चर ये क्लिक की है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऑडियंस इन दोनों को साथ देख के बहुत ही खुश हो रही है और कह रही है आप साथ में कोई प्रोजेक्ट जरूर करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में अब जा नहीं सकते। लेकिन मावरा ने इंडिया में एक मूवी की हुई है सनम तेरी कसम, जो कि पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ साथ इंडियन ऑडियंस को भी बेहद पसंद है। आप किन के पिक्चर में क्या है राय, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी का तड़का दूसरी टॉप न्यूज, इतवार के दिन से वायरल हुई एक वीडियो एमन मुनीब भट्ट के घर से, उनके घर में हो गया धमाका, टूटे फूटे घर की वीडियोस आई मंजरे आम पर। ऑडियंस देख के ये वीडियो खूब ही परेशान है अपने फेवरेट एक्टर्स के लिए। वहीं पर मुनीब भट्ट ने शेयर की एक स्टेटमेंट, हाफ ऑफ माय हाउस कोलैप्स्ड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन। मुनीब भट्ट ने ये स्टेटमेंट शेयर की है, उन्होंने मजीद इस स्टेटमेंट में क्या कहा है हम आपको भी पढ़कर सुनाते हैं। ऑन संडे फेब्रुवरी 2023 हाफ ऑफ माई हाउस कोलैप्स्ड ड्यू टू एन एक्सप्लोजन कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस इन आवर सेविज लाइंस। एमन सफर्ड माइनर इंजरीज कॉज्ड बाय शेड्स ऑफ ग्लास एंड ओवर हाउस हेल्प सफर्ड बर्न्स, बट अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड अल्हम्दुलिल्लाह, दे आर बोथ रिकवरिंग वेल। Trying times like these are a reminder of what is important in life, the safety and health of your family and loved ones. Me and my family are immensely grateful of all the love and well wishes you have sent our way and request that you continue praying for us. Thank you. मुनीब ने कहा है कि एमन को कुछ शीशे के टूटने की वजह से खरोचीज आई हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हैं और हमारी हाउसमेट जो हैं उनको आग की वजह से कुछ बर्न हुआ है, लेकिन ये दोनों ही जल्द से रिकवर हो रही हैं और आप लोगों ने जो हमें दुआएं दी हैं हम आपके शुक्र गुजार। इनकी तीसरी बड़ी टॉप न्यूज, बक्तू इधर आओ, ड्रामा बख्तावर में यमुना जैदी ने ये कैरेक्टर प्ले किया था, वहीं पर अब ड्रामा तेरे बिन में वहाज अली ने भी जब ये कहा तो वहीं पर लोगों ने इस सीन को जोड़ दिया यमुना के ड्रामा बख्तावर से। वहीं पर इस पर रिएक्ट करते हुए यमुना जैदी ने अपनी स्टोरी में कहा है, एवरी टाइम आई यूज टू गेट अटेंशन एट दिस कॉल। ऑडियंस बहुत ही खुश हो रही है कि एक्ट्रेस ने अपने पिछले ड्रामा के साथ इस सीन को शेयर किया है अपनी स्टोरी पर। दिन पर छाने वाली चौथी टॉप न्यूज, पाकिस्तान के फेमस एक्टर भोला का कैरेक्टर प्ले कर चुके इमरान अशरफ और उनकी वाइफ किरण इशफाक ने शेयर की है अपने इंस्टाग्राम क्यू एन ए सेशन पर कुछ तड़कते भड़कते सवाल जवाब। ऑडियंस ने उनसे पूछा, इमरान अशरफ इतने अच्छे हैं, आपने डिवोर्स क्यों ली? उन्होंने कहा है, आप उनसे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्होंने डिवोर्स क्यों दी? इसके अलावा एक फैन ने पूछा है उनसे, डिवोर्स की वजह क्या बनी? हम तो आप दोनों को आइडियल कपल कहते थे। जिसके जवाब में उन्होंने कहा है, हर चमकीली चीज मेरी जान कब होती है सोना। जिस पर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि इनके बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स होगी। इसके अलावा किसी ने पूछा, डिवोर्स के बाद की लाइफ कैसी है? तो जिस पर उन्होंने कहा है, सुकून वाली। जिस पर ऑडियंस जो इमरान अशरफ के फैंस हैं वो किरण पर काफी भड़क उठे हैं कि वो तो ऐसे नहीं लगते। लेकिन मजीद सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, किसी ने पूछा, यू आर डिवोर्स्ड बट यू आर स्टिल फॉलोइंग योर हस्बैंड, व्हाई? किसी ने कहा है कि आप डिवोर्स के बाद भी अपने हस्बैंड को इंस्टा पे फॉलो कर रही हैं, इसकी वजह क्या है? उन्होंने जिसके जवाब में कहा, इंस्टा पे ये कोई रूल नहीं था कि डिवोर्स के बाद हम एक दूसरे को अनफॉलो कर देंगे। जिस पर काफी लोग उनको कह रहे हैं ये काफी सेविज रिप्लाई था। वहीं पर एक और फैन ने पूछा है, जो हाँ रिसेंटली फिरोज खान ने भी अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी थी, तो किसी ने पूछा, आप अलीजे के बारे में क्या कहेंगी? जिस पर उन्होंने कहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। ऑडियंस इन दोनों ही पर बहुत हैरान है कि इतने
फेमस एक्टर्स की वजह से इनके साथ जो शादी थी वो डाइवोर्स में बदल गई है। ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर के लिए बेहद ही परेशान है। आपकी इन सब पे है क्या राय, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टीवी का तड़का, पांचवी टॉप न्यूज़। एक्ट्रेस अनम फयाज ने क्विट कर दिया शोबिज। उन्होंने शेयर किया एक इस्लामिक नोट। वहीं पर नूर बुखारी ने कहा, माशाल्लाह वेलकम टू द रियल वर्ल्ड सिस्टर। इस एक्ट्रेस ने छोड़ दिया है अपना तमाम का शोबिज ड्रामा के काम, अब वो दीन की तरफ आ गई हैं। वहीं पर एक्ट्रेस जर्निश खान ने अपना पहला उमरा परफॉर्म किया है। वहीं पर उन्होंने उमरे के बाद अपने इंस्टाग्राम से तमाम की तमाम पिक्चर्स को डिलीट कर दिया है और वो भी इस्लाम की तरफ आ गई है प्रॉपरली। तो वहीं पर एक्ट्रेस सनम चौधरी ने उनकी पिक्चर शेयर कर कहा है, मे अल्लाह हेल्प यू स्टे स्टेडफास्ट ऑन हिज दीन इस्लाम, वेलकम टू पीस। लोग बहुत ही खुश हो रहे हैं कि दोनों एक्ट्रेस ने शोबिज को क्विट कर दिया है और वो अल्लाह की तरफ वापिस आ गई हैं। और लोग कह रहे हैं कि अल्लाह बाकी के तमाम एक्टर्स को भी हिदायत दे। टॉप 7 ऑफ द डे में से छठी टॉप न्यूज। इंडियन सिंगिंग सेंसेशन मोहम्मद फाइज आए इंस्टाग्राम पर लाइव, जिसमें उन्होंने गाया गाना पाकिस्तान का फेमस कहानी सुनो। इसके अलावा पसूरी ऑडियंस को उनकी ये वीडियो खूब पसंद आ रही है और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आप भी सुनें उनकी खूबसूरत आवाज में ये गाना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये कैसी लगी। जाने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा, अब जमाना हुआ। सताए सुनो, जफाए सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। अगला वा मजबूरी नू, आन जान दी पसूड़ी नू, जहर बने हाँ तेरी, पी जावा मैं पूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, दिल बाग बाग मेरा टकराया, कागा बोल के डस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च बावा च ओनू लुकावा, कोई मैनू ना रोके, मेरे डोल जुदाई आदी, तेनू खबर किवे होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज। सीबीए अरसलान नसीर ने राय शेयर की अपनी, जो रिसेंटली इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में हुआ था टेस्ट, उस पर उन्होंने जो कुछ कहा है आप इसके बारे में सुने और आप भी हमें बताएं कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी को बंद हो जाना चाहिए या इस पर क्या मजीद केस हो, सुने और बताएं। जूलिया देखो, जब वहां पर डिसाइड ये हो चुका था कि बात इधर ही दफन हो जाएगी तो फिर ये बात पिंडी के प्रोफेसर तक किस तरह, तुम लोगों के भी पेट में कोई बात नहीं रह सकती। मुझे जूली के ऊपर पूरा यकीन है, ये जूली बहुत ही पेट की हल्की है भाई। गोरी भी यार जो स्क्रिप्ट लिख रहे होते ना उसके अंदर कम से कम स्टेप सिस्टर तो बना देते हैं, तो वो भी जो बहुत ही वाइल्ड हो गए हैं। वैसे यार जो भी हो, ये तो एंड में इन्होंने तौबा की है ना, ये अच्छी तरबियत की निशानी है। ये थी आज की टीवी और सेलिब्रिटीज से जुड़ी 7 छोटी बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी अपडेट्स के लिए। टीवी का तड़का।